महाप्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे एवं संरक्षक पूर्वोत्तर रेलवे क्रीड़ा संघ अनुपम शर्मा ने सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम गोरखपुर में 27 से 30 अप्रैल तक पूर्वोत्तर रेलवे क्रीड़ा संघ के तत्वावधान में आयोजित 14वीं अखिल भारतीय रेलवे महिला एवं पुरुष हैंडबॉल प्रतियोगिता 2021-22 का शुभारम्भ किया। 14वीं अखिल भारतीय रेलवे महिला एवं पुरुष हैंडबॉल प्रतियोगिता के शुभारंभ के अवसर पर मुख्य अतिथि महाप्रबंधक अनुपम शर्मा ने कहा कि यह सौभाग्य की बात है कि रेलवे स्पोर्ट्स 14वीं अखिल भारतीय रेलवे महिला एवं पुरुष हैंडबॉल प्रतियोगिता के आयोजन का दायित्व पूर्वोत्तर रेलवे को सौंपा और 27 अप्रैल को पुरुष वर्ग में मेजबान पूर्वोत्तर रेलवे के अतिरिक्त उत्तर रेलवे, उत्तर पश्चिम रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे, बनारस लोकोमोटिव वर्क्स, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, पश्चिम रेलवे, रेलवे बोर्ड तथा रेलवे सुरक्षा बल की टीमें एवं महिला वर्ग में मेजबान पूर्वोत्तर रेलवे के अतिरिक्त दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे तथा उत्तर रेलवे की टीमें भाग लेने के लिए उपस्थित हुई हैं। इस प्रतियोगिता में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों से युक्त टीमें उच्च स्तरीय हैंडबॉल खेल का प्रदर्शन करेंगी, जिससे पूर्वांचल के हैंडबॉल प्रेमियों को अच्छे खेल देखने तथा उदयमान खिलाड़ियों का काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। इस प्रतियोगिता के माध्यम से भारतीय रेलवे हैंडबॉल टीम का चयन किया जाएगा। उन्होंने अच्छे प्रदर्शन के लिए सभी टीमों को शुभकामनाएं दी। उद्घाटन मैच अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों से सुसज्जित मेजबान पूर्वोत्तर रेलवे एवं दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की महिला टीम के बीच खेला गया। पूर्वोत्तर रेलवे ने अपनी तेज तर्रार खिलाड़ियों के बदौलत यह मैच 21-10 से जीत लिया। पूर्वोत्तर रेलवे की टीम के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी मोनिका एवं ममता ने 5-5 गोल कर जीत में अपना सराहनीय योगदान दिया। पुरुष वर्ग में रेलवे बोर्ड एवं बनारस लोकोमोटिव वर्क्स की टीम के बीच खेला गया, जिसमें बनारस लोकोमोटिव वर्क्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 17-4 से यह मैच जीत लिया। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स की जीत में मानदीप ने 5 गोल का योगदान दिया। देर शाम महिला वर्ग में दक्षिण मध्य रेलवे एवं उत्तर रेलवे तथा पुरुष वर्ग में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे एवं रेलवे सुरक्षा बल, दक्षिण मध्य रेलवे एवं उत्तर रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे एवं उत्तर पश्चिम रेलवे, बनारस लोकोमोटिव वर्क्स एवं पश्चिम रेलवे, रेलवे बार्ड एवं दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बीच मैच खेला जाएगा। इसके पूर्व महासचिव नरसा पंकज कुमार सिंह ने मुख्य अतिथि महाप्रबंधक को प्रतियोगिता के बारे में जानकारी दी तथा स्वागत संबोधन किया। संचालन नरसा के आसिफ जहीर ने किया। इस अवसर पर अपर महाप्रबंधक अमित कुमार अग्रवाल, अध्यक्ष नरसा योगेश मोहन, प्रमुख विभागाध्यक्ष महासचिव नरसा पंकज कुमार सिंह, सचिव हैंडबॉल के सी सिंह, सहायक क्रीड़ा अधिकारी चंद्र विजय सिंह, वरिष्ठ रेल अधिकारी एवं खेल प्रेमी उपस्थित थे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महासचिव नरसा एवं पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने कहा, पूर्वोत्तर रेलवे श्री अमित कुमार अग्रवाल जी, सभी प्रमुख विभागाध्यक्ष, सभी खिलाड़ी, ऑफिशियल्स, मीडिया के सम्मानित सदस्यगण, देवियों एवं सज्जनों, आप सभी का 14वीं अखिल भारतीय रेलवे महिला पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप 2022 के शुभारंभ कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एवं आभार। मुख्य अतिथि महोदय, आपके संरक्षण में पूर्वोत्तर रेलवे क्रीड़ा संघ नित्य नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। अभी 10 सप्ताह ही हमारे कमिश्नर गौरव बलियान ने एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल प्राप्त किया। सर, आपने जिस तरह से खिलाड़ियों एवं कोचों को एनुअल अवार्ड के मंच से सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया, उसके लिए हम सभी आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। चैंपियनशिप
30 अप्रैल तक चलेगी। इसमें पुरुष वर्ग की कुल 9 टीमें तथा महिला वर्ग की 4 टीमें प्रतिभाग कर रही है। आज का उद्घाटन मैच पूर्वोत्तर रेलवे महिला टीम और साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे महिला टीम के मध्य खेला जाएगा। रेलवे की टीम के सदस्य साथ करते हुए हमारे माननीय मुख्य अतिथि अपर रहे हैं एनडब्ल्यूआर के टीम की तरफ उनके कप्तान से साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ प्रतियोगिता में भाग ले रहे खिलाड़ी एवं ऑफिशियल्स, प्रेस एवं मीडिया के सदस्यगण, देवियों और सज्जनों, यह हमारा सौभाग्य है कि रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड ने 14वीं अखिल भारतीय महिला एवं पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप के आयोजन का दायित्व पूर्वोत्तर रेलवे को सौंपा और आज विभिन्न क्षेत्रीय रेलों एवं उत्पादन इकाइयों की टीमें भाग लेने के लिए यहाँ आई हैं। मुझे विश्वास है कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों से युक्त टीमें उच्च स्तरीय हैंडबॉल का प्रदर्शन करेंगी, जिससे पूर्वांचल के हैंडबॉल प्रेमियों को अच्छा खेल देखने का और प्रियमान खिलाड़ियों को काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा। सभी टीमों को अच्छे प्रदर्शन के लिए मेरी शुभकामनाएं। मैं 14वीं अखिल भारतीय महिला एवं पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप के शुभारंभ की घोषणा करता हूं। साउथ सेंट्रल रेलवे दोनों टीमें तैयार हैं इस मैच के बाद।
75 सौ से और इससे तक हाँ हाँ झंडू है ये सब टूरिस्ट खींचे चौदहवीं अखिल भारतीय रेलवे हैंडबॉल महिला एवं पुरुष चैंपियनशिप 2022 इसकी शुरुआत इसका शुभारंभ पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक श्री अनुपम शर्मा जी के कर कमलों द्वारा किया गया। इस टूर्नामेंट में पुरुष वर्ग की विभिन्न क्षेत्रीय रेलों की कुल 9 टीमें और महिला वर्ग की 4 टीमें खेल रही हैं। आज का उद्घाटन मैच पूर्वोत्तर रेलवे एवं साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के मध्य खेला जा रहा है। इन टूर्नामेंट में प्रतिभाग करने वाली टीमों में अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर के कई बड़े खिलाड़ी हैं। उनके खेल को देखकर यहां के युवाओं को खेल प्रेमियों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और 4 दिवसीय इस टूर्नामेंट में ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक यहाँ आएंगे और उनको इस खेल के बारे में और इंटरेस्ट और बढ़ेगा और इस खेल का प्रचार प्रसार इस रीजन में होगा। खेल से जहाँ एक प्रोफेशन है जिसमें आप आगे बढ़ सकते हैं, आपको जॉब्स मिलती हैं, आप देश के लिए खेलते हैं, आजकल खेल में भी एक करियर है, एक कह लीजिए अच्छा पैसा है, अच्छा अवार्ड मिलता है, सम्मान की बात है खेलना, साथ ही साथ फिटनेस भी अच्छी होती है इससे, इसलिए हम लोग खेल को प्रमोट करते हैं जिससे कि बच्चे फिट हों और भारत का भविष्य जो है वो खेल के माध्यम से भी काफ़ी उज्ज्वल हो सके।